Assalamualaikum everyone, and thank you very much for tuning in to the Yousaf Rizvi YouTube channel. So, काफी लोगों के पास general questions होते हैं on basic finance terms जिनके बारे में उनको information नहीं है. I'm an MBA in finance, and based on that, मेरा target ये होता है कि आप लोगों के साथ तो simple terms आसान लफ्जों में समझाई जाए जिससे आपको information मिल सके. So, आज मैं बात करूंगा something about rights offering. तो अगर आप stock market में invest करते हैं और companies के shares खरीदते हैं तो कंपनीज किसी बा किसी टाइम अपने राइट्स इशू करती हैं. अगर आपको याद होगा हैस्कॉल ने बहुत सारे राइट्स इशू किए थे ना, फ्यू 100% के हिसाब से लोगों को दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें राइट्स ऑफरिंग आई और लोगों ने सब्सक्राइब किया जो सब्सक्राइब करना चाहते थे. अब लोग पूछते हैं कि राइट्स ऑफरिंग होती क्या है, उसका रीजन क्या है. सो राइट्स ऑफरिंग का रीजन ये होता है कि बेसिकली आप अपने करंट शेयर होल्डर्स एक कंपनी को पैसे चाहिए. उस पैसे के लिए उसके पास दो सोर्सेज हैं, या तो वो बोरो कर सकता है, किसी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा टू फ्रेज दैट मनी, जिससे वो अपने डेट अपने लोन जो उसने लिए हुए वो पे करना चाहता है, या कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है. वो उसके लिए उस पैसे के साथ उसको रेज करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं. एक तरीका जैसा मैंने बताया कि वो जाके इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, दूसरा तरीका ये है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करेगा और उसके जरिए उनसे पैसे लेगा. तो वो ऑफर करेगा राइट, एक ऑब्लिगेशन उनको ऑफर करेगा, उनको फोर्स नहीं है, वो नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते. तो अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर उनको कंपनी में और पैसे डालने हैं तो उसके अंदर अपने और शेयर वो ले सकते हैं. अब उस पैसे के साथ, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कंपनी का डायरेक्ट प्लान ये होता है कि उस रेज कैश से अपने डेट के लोन को पेमेंट कर दे, ताकि इन्वेस्टमेंट और आपकी शेयर होल्डिंग, जब आपका लोन की अमाउंट कम हो जाती है बुक्स के ऊपर, आपकी अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो कॉस्ट जो है वो बेनिफिट आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आएगा, क्योंकि उसका खर्चा कम हो गया. तो इस वजह से राइट्स इश्यूएंस जब किसी कंपनी ने रेज करती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप मुझ में और पैसे डालें कंपनी में, मैं आपको शेयर और कंपनी के दूंगी, आपके पास शेयर ज्यादा आ जाएंगे तो उसका जो प्रॉफिट, उसे जो बेनिफिट आएगा कंपनी का, उससे आपको फायदा होगा. अब राइट्स इश्यूएंस के ऊपर दो अंडरस्टैंडिंग्स लोग सोचते हैं. दे हैव टू सी कि वो किस रीजन से राइट्स इशू कर रही है. क्या उसका रीजन अपने डेट को कम करना है, जिससे उस नजर आता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मैं अगर अपने शेयर होल्डर्स को दे दूंगा, अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग जिन्होंने मुझ पे पैसा लगाया है, जिन्होंने मुझ पे इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैं उसको हिस्सा दे दूंगा और उस हिस्से के साथ मैं अपने डेट को कम करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लूंगा और अपनी अर्निंग्स पर शेयर जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ा लूंगा, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है. अगेन आप इस टाइम पे रिव्यू कर सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन्स क्या है, कंपनी का पोटेंशियल क्या है, कंपनी के ओनर्स क्या है, वो इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है और उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है. जब आपके पास, दूसरी चीज ये है कि कंपनी के पास फाइनेंशियल ठीक है लेकिन उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और वो लोन लेना नहीं चाहता, या उसके पास इतना ज्यादा लोन है या वो लोन नहीं रखते, तो बहुत सारी कंपनीज, और ये मैंने देखा है शरिया कंप्लायंट कंपनीज में ज्यादातर होता है कि वो उनको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है और उनके अपने रिसोर्सेज से पूरा नहीं हो रहा, तो वो लोन और फाइनेंसिंग लेने के बजाय वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू करके उनसे पैसे रेस करके वो नई अपनी एक्सपेंशन करते हैं. उन्होंने कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी को खरीदना है, उसके लिए वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हैं कि जी आप लोग अप्लाई करें. उसके अंदर कई दफा देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग ओनर्स होते हैं कंपनी के, जिनके पास ओरिजिनल मेजर शेयर होल्डिंग होती है कंपनी की, जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेती वो लोग एक्वायर करके और वो इन्वेस्टमेंट करके अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा स्टेक है कंपनी के अंदर. तो इसके बाद दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. बाकी सब्सक्राइब करें एंड आई विल शेयर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आई विल शेयर इंटरेस्टिंग टर्म्स जिनसे आपको विल हेल्प यू मेक अ बेटर फाइनेंशियल डिसीजन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. टेक केयर. खुदा हाफिज़.